तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एमकेट की तरफ से आने वाले एक और काफ़ी बढ़िया से वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर को, और ये है एमकेट का इवोफॉक्स इलाइट ऑप्स। ये गेम पैड आपके स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी और पीसी के साथ में फुल्ली कंपैटिबल है, और इसको खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो कंट्रोलर हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में। यहाँ इस तरफ इस पर मिलने वाले कुछ मेन फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। बॉक्स में इस तरफ इसकी बटन की फंक्शनैलिटी और कनेक्टिविटी ऑप्शंस को मेंशन किया गया है। अब बॉक्स में इस तरफ चले तो यहाँ पर इसकी MRP के बारे में बताया गया है। तो MRP तो है इसकी 2299, पर आप इस गेम पैड को Amazon, Flipkart या MKT की वेबसाइट से तकरीबन 1400 रुपये की प्राइस में परचेज कर सकते हो। और यदि तो आप इस कंट्रोलर को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो इसे खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है कि यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको इस गेम पैड को किस तरह से कनेक्ट और ऑपरेट करना है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और साथ ही में ये कुछ स्टिकर्स भी है। फिर आता है हमारा ये वायरलेस गेम पैड, अभी हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं इसके बाकी कंटेंट्स की तरफ। और बॉक्स में आखिरी में हमें देखने को मिलता है इस कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए एक नैनो USB वायरलेस रिसीवर। तो फ्रेंड्स, हमें यही सभी कुछ कंटेंट जो है इसके बॉक्स में देखने को मिलते हैं। हम जल्दी से चलते हैं अपने वायरलेस कंट्रोलर की तरफ, और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और फिजिकल ओवरव्यू की। तो कंट्रोलर हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरह के काफ़ी बढ़िया से डिज़ाइन में, और मेरे पास है इसका ये न्यूली लॉन्च्ड ब्लैक कलर वाला वेरिएंट, साथ ही में ग्रे और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है, जिससे इस गेम पैड की लुक यार काफ़ी बढ़िया निकल के आती है। इस तरफ है इवोफॉक्स की ब्रांडिंग, और गेम पैड को ऑन करने के लिए हमें सिंपली इस मोड बटन को प्रेस करना है, और कंट्रोलर ऑन होने पर हमें 4 LED लाइट्स देखने को मिलती है, जिससे इसकी कनेक्टिविटी और बैटरी चार्जिंग स्टेटस के बारे में हमें पता लगता है। उसके अलावा कोई भी की यहाँ पर बैकलिट नहीं है। अब गेम पैड में पीछे की तरफ चले तो यहाँ पर इसके मॉडल नेम को जो है वो मेंशन किया गया है, और ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलता है इसे चार्ज करने के लिए एक Type-C USB पोर्ट। वैसे इस प्राइस रेंज में आने वाले नॉर्मली बाकी गेम पैड्स में हमें ये Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिलता। अब इस पर मिलने वाली कीज़ की तो हम बात करें तो सभी की कीज़ यहाँ पर प्लास्टिक में है, और काफ़ी सॉफ्ट कीज़ यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा क्वालिटी भी इन कीज़ की काफ़ी बढ़िया है, और जॉयस्टिक पर हमें रबराइज फिनिश दी गई है। वैसे गेम पैड में साइड्स में हमें कोई भी रबराइज ग्रिप्स देखने को नहीं मिलती, लेकिन यार इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी बढ़िया है, और साथ ही साथ ये काफ़ी लाइट वेट भी है, तो ऐसे में इसे होल्ड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वेट है इसका सिर्फ और सिर्फ 190 ग्राम्स। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह के थोड़े ब्रॉड टाइप के ट्रिगर्स, इनकी भी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन यार ये डिजिटल ट्रिगर्स है, हमें यहाँ पर एनालॉग ट्रिगर्स देखने को नहीं मिलते। ओवरऑल गेम पैड का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, और इस प्राइस रेंज में आने वाले बाकी गेम पैड्स के कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो 3-in-1 प्लेटफॉर्म सपोर्ट है, और आप इसे अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी, अपने PC या फिर OTG केबल का यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट्स के साथ में भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा PS3 के साथ में भी ये गेम पैड काम कर जाएगा, और X इनपुट और डायरेक्ट इनपुट दोनों ही मोड्स को ये सपोर्ट करता है। अभी मैं इसे अपने PC के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ, और इसे अपने PC के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको इसके साथ में आए हुए इस USB वायरलेस रिसीवर को अपने PC के USB पोर्ट पर कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपली इस मोड बटन को प्रेस करना है, और हमारा गेम पैड जो है वो हमारे PC के साथ में इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाएगा। और ये एक प्लग एंड प्ले कंट्रोलर है, और हमें इसे कनेक्ट करने के लिए किसी भी ड्राइवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमारे PC के साथ में ये एज अ Xbox कंट्रोलर रिकग्नाइज होता है। और मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ अपने विंडोज 11 कंप्यूटर के साथ में, और आप इसे अपने किसी भी PC के साथ में यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ 0 lag कनेक्टिविटी है, और मैंने इस गेम पैड को अपने मोबाइल फ़ोन और एंड्रॉयड TV के साथ में भी टेस्ट किया, और ये गेम पैड सभी डिवाइसेज के साथ में बिल्कुल बढ़िया से काम करता है। और वीडियो में आगे चलकर मैं इसे अपने एंड्रॉयड TV के साथ में भी आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। उसके अलावा सभी कीज़ काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, और ये गेम पैड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और PC पर गेमिंग करते वक्त हमें बढ़िया वाइब्रेशन फीडबैक भी मिलती है, और इसकी वाइब्रेशन और ट्रिगर्स को भी हम वीडियो में आगे चलकर टेस्ट करेंगे। और जिस तरह से इस गेम पैड ने हमारे PC के साथ में बढ़िया परफॉर्म किया, बिल्कुल उसी तरह से ही ये हमारे स्मार्ट एंड्रॉयड TV और मोबाइल फ़ोन के साथ में भी बढ़िया से काम करता है।
और मैंने अभी इसे अपने iFalcon के Android TV के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, और आप इसे अपने किसी भी स्मार्ट Android TV या फिर स्मार्ट Android TV बॉक्सेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस पर मिलने वाली बैटरी और इसकी वायरलेस रेंज की। तो ये गेम पैड आता है 400 mAh की बैटरी के साथ में, जो कि तकरीबन डेढ़ घंटे में जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाती है, और बैटरी एक बार इसकी फुल चार्ज होने पर हमें इस पर तकरीबन 8 घंटे का गेमिंग बैकअप मिलता है। उसके अलावा ये गेम पैड आता है इस नैनो USB वायरलेस रिसीवर के साथ में, और वायरलेस कनेक्टिविटी की तो हम बात करें तो 10 मीटर की वायरलेस कनेक्टिविटी इस पर हमें मिलती है। तो चलिए अब जल्दी से टेस्ट करते हैं इसके ट्रिगर्स और वाइब्रेशन को। तो ट्रिगर्स को आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके काफ़ी बढ़िया से काम कर रही है, लेकिन यार जो इसके ट्रिगर्स है वो प्रेशर सेंसिटिव नहीं है। उसके अलावा ये आता है डुअल वाइब्रेशन मोटर्स के साथ में, और वाइब्रेशन फीडबैक इस पर हमें काफ़ी बढ़िया मिलती है। तो फ्रेंड्स, आखिरी में अब हम बात करते हैं कि क्या इस 1500 रुपये की प्राइस रेंज में हमें इस गेम पैड की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो यार प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है, और जिस प्राइस रेंज में हमें ये मिलता है उस प्राइस रेंज में आने वाले बाकी कंट्रोलर्स में हमें USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता, जो कि डेफिनेटली इसका एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसके थ्रू हमें काफ़ी अच्छी मिलती है, और यही तो आप बजट प्राइस में एक बढ़िया और ड्यूरेबल वायरलेस गेम पैड को ढूंढ रहे हो, जैसे कि आप अपने स्मार्ट एंड्रॉयड TV या फिर PC के साथ में कनेक्ट कर सको। तो आप डेफिनेटली MK8 के इस Elite Ops गेम पैड की तरफ जा सकते हो, और वैसे इस गेम पैड को खरीदने के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।